अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरहत शेख, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मुंब्रा में सबसे पहले तो कोई सुविधाएं दी नहीं जाती, और जो दी जाती है उसको प्राइवेट कर दिया जाता है। वैसे ही यहाँ की सत्ताधारियों की नज़र जो है इकलौते सरकारी हॉस्पिटल जो बहुत सालों बाद मुंब्रा को नसीब हुआ है, उसके लिए उनका ये कहना है कि भाई अब उसको जो है हम किसी प्राइवेट को देने का सोच रहे हैं, हम प्राइवेट कर देंगे। जैसे ही हॉस्पिटल बनके तैयार हुआ था, तभी यहाँ के जो एमएलए है जितेंद्रवाड़, उन्होंने ये कहा था कि हम इसको किसी को प्राइवेट को देने को सोच रहे हैं। तो मेरा बोलना ये है कि सबसे पहली बात तो ये एक सरकारी हॉस्पिटल जो हमारे टैक्स के पैसों की ज़मीन जो है हमारे टैक्स के पैसों से खरीदी गई है, हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर हमारे टैक्स के पैसों से बना हुआ है, तो ये हम सरकारी हॉस्पिटल हम लोगों को जो चाहिए ये प्राइवेट को हम क्यों दें। तो यहाँ पर आप लोगों को बुलाने का सबसे इम्पोर्टेंट मकसद ये है कि कल से यानी 15 मार्च से हम लोग मुस्लिम लीग वाले जो है एक भूख हड़ताल उन्होंने ऑर्गेनाइज किए। इस भूख हड़ताल में मैं यानी मुंब्रा की बेटी फरहत शेख जो है वो इस भूख हड़ताल पर बैठने वाली है, और हमारी जो मांगे है कि ये सरकारी हॉस्पिटल जो सरकारी बोल के चालू किया गया था, लेकिन अब इसको पूरी प्लानिंग की जा रही है प्राइवेट करने की। हमारी सबसे पहली मांग ये है टीएमसी से, हमारी सबसे पहली मांग ये है कि इसके टेंडर को रद्द किया जाए, यानी जो प्राइवेट के लिए जो टेंडर निकाला गया है इसको रद्द किया जाए। सेकंड जो हम लोगों को मांग है हम लोगों की कि जिस तरीके से एक शिवाजी हॉस्पिटल चल रहा है ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि मुफ्त के मैं भी खिलाफ हूँ, किसी भी चीज़ को फ्री में नहीं देना चाहिए। जिस तरीके से एक शिवाजी हॉस्पिटल चल रहा है, 10 रुपए की अगर एक पर्ची मिलती है, 10 रुपए का आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, 10-20 रुपए में आपकी दवाई कम दर में जो है कम पैसों में जो है वो अच्छा स्वास्थ्य मिले, ये हमारी मांग है। तो जिस तरीके से शिवाजी हॉस्पिटल सरकारी तरीके से चल रहा है, साथ ही साथ स्कीम चल रही है, और यहाँ पर इनका कहना है कि हम सिर्फ स्कीम पे चलाएंगे, जिसके बहुत ज़्यादा लूपहोल्स है, बहुत ज़्यादा नुकसान है, पूरे मुंब्रा के लोग इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो हमारी मांग है कितने लोग भूख हड़ताल पर बैठोगे और कैसा क्या बेमुद्दत आपका हड़ताल रहेगा जी। सबसे पहले बता दूं कि भूख हड़ताल के लिए मैं अकेले बैठने वाली हूँ और ये बेमुद्दत रहेगी। हम लोगों का ऐसा है कि हमको भूख हड़ताल करनी है, मैं अकेले रहूँगी। अगर जब तक मतलब अल्लाह ने मुझे दी हिम्मत, मैं वहाँ पर बैठूंगी। अगर मुझे अल्लाह ना करे, लेकिन अगर तब तक हमारी मांगे अगर ना पूरी हो या अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इंशाल्लाह मेरे बाद जो हमारे मुंब्रा अध्यक्ष हैं जहांगीर शेख, ये कंटिन्यू करेंगे उस भूख हड़ताल को, और उसके बाद फिर मैं वापस से जब मैं रिकवर हो जाऊँगी तो ये जो है बेमुद्दत चलने वाली है, तो फिर से मैं आके इंशाल्लाह भूख हड़ताल के लिए बैठूंगी, लेकिन इसकी शुरुआत मैं करने वाली हूँ। परमिशन वगैरह ले लिया आपने, जो रिक्वायर्ड परमिशन रहते वो सब आपको मिल गए? मतलब पुलिस परमिशन का ऐसा है कि परमिशन जो है पुलिस स्टेशन से नहीं मिली है। उनका ये कहना है कि हम सुसाइड के लिए परमिशन नहीं देते। हालांकि हमने उनको हाईकोर्ट का जजमेंट भी दिया है, जब ऐसी ही किसी ने जो है भूख हड़ताल के लिए कहा था, उनके ऊपर एफआईआर हुई थी, तो हमने उनको हाईकोर्ट का जजमेंट दिया है, जिसमें बाकायदा जज ने ये डिक्री दिया, ये जजमेंट दिया है कि भूख हड़ताल, सुसाइड और भूख हड़ताल दोनों बहुत अलग चीज़ होती है, तो जिसके अंदर एफआईआर नहीं बनती है। हमने वो जजमेंट देने के बावजूद भी जो है वो पुलिस वाले यहाँ पर हमको हड़ताल की परमिशन नहीं दे रहे। इससे साबित होता है कि पुलिस स्टेशन जो है ना वो दबाव में काम कर रही है। एनसीपी वाले यहाँ के जो एमएलए हैं वो बिल्कुल नहीं चाह रहे कि यहाँ पर ऐसी चीज़ों के लिए परमिशन दी जाए, लेकिन फिर भी हम बैठेंगे वहाँ पर, क्योंकि हमको हमारी मांगे चाहिए, हमको हमारा हक चाहिए। कब से बैठ रहे हैं आप? कल 15 तारीख है, कल 2 बजे से इंशाल्लाह जो है हम भूख हड़ताल के लिए वहाँ पर बैठेंगे। हॉस्पिटल के बराबर आगे, हॉस्पिटल के बाहर जो है वो हम लोग भूख हड़ताल के लिए बैठेंगे।